अश्रु का दर्शन करना भी बहुत पूर्ण की बात है, लेकिन वो भी भाव से अगर दर्शन करो तो, और भाव से दर्शन नहीं है तो कोई बात ना है। तुम संत जी के बड़ा किया हमेशा भय दे रहा हो, दिन रात भय दे रहा हो, लेकिन उसका कोई जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि देखो एक समय की बात बात जब महाभारत का युद्ध हो चुका था तो पांडवों ने एक दिग्विजय का अस्त्र छोड़ा, एक अस्त्र माने घोड़ा छोड़ दिया जाता है, अपने गले में चिट्ठी बांध दी जाती है, इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करेगा, और युद्ध में अगर जीतता है तब तो कोई बात नहीं, तो उनका अस्त्र पूरा नहीं माना जाएगा अगर युद्ध में हार जाए, और नहीं हार जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, तो आज तो घूम ही रहा। फिर उन्होंने बाद में जब अस्त्र लौट आया तो एक बहुत बड़ा भंडारा किया, यज्ञ किया, जिसमें पूरे राज्य ने उन्होंने निमंत्रण दे दिया, पांडवों सभी लोग भोजन करने के लिए आने लगे, और भंडारा था वो एक सप्ताह का था, एक दिन का नहीं था, एक सप्ताह का था, पूरे राज्य ने उन्होंने निमंत्रण किया हुआ था, भंडारा बनता था और भोजन करते थे। एक बार जो है पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा, ये कहा कि माधव ये यज्ञ कर रहा है, ये पूरा हो जाएगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये पूरा हो गया। तो भगवान कृष्ण जो है मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये यज्ञ पूरा होगा तो आकाश में नाद बजेगा, नाद माने घंटा बजेगा, आवाज होगी, आकाश से आवाज आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, चार पांच दिन हो गए भंडारा चलते यज्ञ होते होते घंटा नहीं बजा, देखो जबकि भगवान कृष्ण जो है उस भंडारे के उस यज्ञ के व्यवस्थापक थे, और वो भी रोजाना वही भंडारा भोजन करते थे, अपने घर से करके आते हैं दौरे का वही कभी कभी, लेकिन उनके भोजन करने पर भी घंटा नहीं बजा। प्रेम लगन पांडवों ने फिर जो है भगवान कृष्ण से पूछा कि केशव आप कहते थे घंटा बजेगा, घंटा तो अभी तक नहीं बजा, आज पांचवा दिन हो गया, तो उन्होंने ये बताया कि ये बताओ तुमने अपने राज्य में सबको निमंत्रण दिया है, उन्होंने कहा सबको निमंत्रण दिया है, कोई ऐसा महात्मा तो नहीं है जिसको आपने निमंत्रण न दिया हो। तो पांडव विचार करने लगे कि ऐसा कौन महात्मा है जिसको मैंने निमंत्रण नहीं दिया। सोचते सोचते अर्जुन ने कहा कि भैया मुझे लगता है कि एक सुपुत्र सुदर्शन नाम का महात्मा है, वो जाग से महेंद्र है, उसका शायद जो है निमंत्रण नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कहने लगे यही तो बात है, कोई ना कोई श्रेष्ठ महात्मा अच्छा महात्मा उसका निमंत्रण नहीं दिया है, उसके चित्त से ही उसके मन से ही भंडारा पूर्ण नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनको मना करके जैसे वैसे वैसे वो यज्ञ मिला।
तो युधिष्ठिर जो है बड़े भाई भाई पांडव के पांचों भाई जो है रथ में बैठ करके कुछ सेना साथ में ले जाते हैं, जो राजा सेना ले जाते हैं। कुटी के पास पहुंच करके सेना कुटिया के चारों ओर लग जाती है। पांडव जो है रथ में उतर करके अंदर प्रवेश करते हैं। महाराज जानते हैं वे सभी लोग हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम राम राम, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? उनके मन में ये बात है कि महात्मा है लेकिन भंगी परिवार है, इसलिए ये मन में विचार। तो उन्होंने कहा, फिर भी भगवान कृष्ण ने कह दिया है तो ले जाना। उन्होंने कहा, स्वामी जी आपका निमंत्रण है और यज्ञ हो रहा है, आप जो है प्रसाद खाने के लिए चलिए, मैं आपके लिए रथ लाया। तो उन्होंने कहा ठीक है। देखो मैं भोजन करने के लिए उसके यहां जाता हूं, किसके यहां, जो एक से एक महायज्ञ कर लेता है उसके यहां मैं भोजन करने जाता हूं। भीमसेन ने कही, भीमसेन बहुत बलशाली थे, उन्होंने कही भैया क्यों भंगे लगे कई बारे ऐसी बात है, रघु तो भाई एक हुई भी बोला है विवाद काके का जमाना है। भैया तुम अगर कहो तो जब महात्मा को कुछ आए अरे समय बैठा देना जोड़ा बात जय कहें। ये दोस्तों ने कहा नहीं, ऐसे संत है उनको स्वेच्छा से ले चलो। भीमसेन ने कहीं स्वेच्छा था नहीं, ये एक जो है एक महायज्ञ मांग रहे हैं। अच्छा महात्मा जो थे वो समझ गए, क्योंकि संत जो है अंतर्यामी होते हैं तो अंतर की बात को ध्यान गए, तो उन्होंने सोचा कि जबरदस्ती के चक्कर में, तो उन्होंने कहा देखो भैया हमारा कमंडल ये रखा है, इस कमंडल में ढालो और हम अंदर जो है कुटिया में झोली ले आए अपनी झोली और गंदा ले आए। देखो कुटिया में जब गए तब तक जो है भीमसेन जो है खुद परे एकदम और कमंडल पहले अंगुलिया दे रहे, कमंडल भी है अंगुलिया दे रहे करी तो अंगुलिया फिर पूरे हाथ से करो तुम भजन नहीं लो दोनों हाथ से पकड़े अब काम भी सीख लेकिन निकालने को बहुत ये दोस्तों ने जो है सारा किया लेकिन चलो चलो पांचों पांडव जो है रथ में बैठ करके सेना समेत वापस। द्रौपदी ने कहा कि स्वामी जी को लेकर के क्यों नहीं आए, जगह हम लोग तो नहीं ला पाए और तुम जो है ले आओ चली जाओ। उन्होंने ठीक है मैं जाती हूं। तो द्रौपदी जाती है एक थाल में एक पांच बाल्टियों वाला दीपक बना करके तैयार कर लिया, कुछ कुछ पत पत कुछ फूल कुछ फल इत्यादि लेकर के रथ पे बैठ करके चल देती है। उनके साथ कोई सेना नहीं, सेना के लायक नहीं है कि मैं आपके साथ चलूं। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं। द्रौपदी जाती है और कुटिया के काफी दूर रथ को खड़ा करके दीपक की पांचों ज्योतियों को जला करके हाथ में पकड़ करके द्रौपदी फिर जो है आगे चलती जा रही है। प्रेम रखो चलते चलते स्वामी जी के पास पहुंचती है और उनकी आरती करनी है। भाव के तहत आरती करने के बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है। देखो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना 1000 बार हाथों को जोड़ करके
सिर को झुका करके और ये कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक क्या बात कहूं और धन प्रणाम की एक बात कहूं तो भी उसके बराबर नहीं होता है। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, द्रौपदी कहती है स्वामी जी आपका निमंत्रण है यज्ञ और मैं आप यहां बुलाने के लिए आई, आप मेरे साथ चलो, मैं रथ लेकर के आई। तो महात्मा जी ने हुई जगह बेटी जो एक से एक महायज्ञ कर लेता है उसके यहां मैं भोजन करने जाता हूं। द्रौपदी के अंदर धैर्य था, द्रौपदी के अंदर भक्ति थी, द्रौपदी के अंदर विवेक था। द्रौपदी कहती है स्वामी जी आप एक से एक यज्ञ की बात करते हैं, आप तो देख ही रहे थे कि मेरा रथ कहां खड़ा है, वहां से मैं पैदल चलके आपके पास आई हूं और आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय में झांक करके देखो। द्रौपदी क्या कहती है, आप मेरे हृदय में झांक करके देखो। कहते हैं क्या कहते हैं, संत मिलन को चाहिए रज माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए रज माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए रज माया अभिमान। संत मिलन को चाहिए सच माया अभिमान, संत मिलन को चाहिए सच माया अभिमान, और क्यों जो फसल आगे करे संतों की बाणी है, संत कहते हैं कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, किसी संत से मिलने के लिए अगर चले तो माया जो है तीन प्रकार की होती है, माया महामाया और चीनी माया। कहते हैं माया और अभिमान को छोड़ करके तब संत के पार जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मन में ही सोची उनने हमारे चार कोटी बनी है प्लाट होगा तो मैंने बनी हुई है दिल्ली में जो प्लाट का हम माधवा को पंच में जाए, यही को तो माधवा आ गई थी हम बाय बाय घर को तो तुम खूब मिलकर रहो बाबू फल फल रहे तुम्हारे अंदर अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, रूप का अभिमान है, है? तुमने क्या सोच लिया कितने सुंदर है और ये माधवा अपन संसार में तो मोह देख कैसे लगा तो फल मिलेगा नहीं, नहीं, नहीं। कहते हैं कि क्यों क्यों पग आगे धरे, एक पैर उठा करके एक को रखे तो एक पैर को उठाकर रखने पर एक करोड़ महायज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है।
मैं आपको क्या बताऊंगा, आप खुद ही समझदार है। मेरे हृदय में ठाके देखो, मेरे अंदर कौन सी माया है, कौन सा अभिमान है और कितने पगों को रख करके मैं आई। महात्मा समझ गए कि इसके साथ तो हमें जाना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा चलो बेटी में चल रहा था, कमंडल उठाया, छोरी डाली, रथ में बैठ करके चल दिए। यज्ञ में आए, उनके लिए अच्छा सा आसन बनाया गया, उनके लिए भोजन आया, कई तरह का भोजन आया। महात्मा ने कहा काम करो, भाई ने मठा प्यार, भाई गोली भाई भराय को, भाई भराम राम, भाई भरमिर सिंह, भाई रसगुल्ला, भाई हलवा, सब भैया में डाल के भेद में मिलाए लाओ सब। और मिलाए के जो है एक ग्रास दिया, उन्होंने खाया, आकाश में घंटा बजा, दूसरा ग्रास दिया, आकाश में दूसरा घंटा बजा। सारे द्रौपदी ने सोची कि देखो कितने लोग जो है आज छठवां दिन है, यज्ञ चल रहा है, कितने लोग आए भोजन करने। हमारा भैया कन्हैया जो है वो भी भोजन इसी में कर रहा है, वो तो महान योगी है और फिर भी घंटा नहीं बजा। कोई ना कहीं आए घंटा बजा, लेकिन महात्मा बहुत पहुंचे हैं। लेकिन द्रौपदी सोची, लेकिन याद रखो कि उनका सत्य है, कैसे बता रहे गुंडा अलग खाते होते, गुलाब जामुन अलग खाते होते, राय को अलग रवाते, अलग पीते थे, भाई मठा के आलू, भाई राय को, भाई रसगुल्ला, भाई मानो हलवा। फिर भी महात्मा खाता है बड़े घटिया तिहारे लाए भजोई लाए। द्रौपदी फिर भाग के गई, कहने लगी भैया घंटा तो बजा नहीं, दो बार बजा, आप कहते हैं तीसरी बार बजेगा, तीन बार बजेगा, कि तुमने उन महात्मा के बारे में मन में कोई सोचा तो नहीं है। लेकिन भैया सोच तो जाओ, अच्छा तुरंत जाओ, दीपक जला करके महात्मा की आरती करो, चंद्र प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, जब तक वो कुछ न कहे तब खड़े रह जाओ। द्रौपदी ने वही बजा, महात्मा जी ने देखा, थोड़ी देर हुई द्रौपदी को, उन्होंने कहा बेटी तुम बैठ जाओ, क्या लोग खड़ी। उन्होंने कहा अच्छा, सोई द्रौपदी बैठ गई, सोई उन्हें गिरा गिराओ, सोई चलो गिरा गिराओ, चलो गिरा गिराओ, चलो बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय, संत भगवान की जय, बोलिए सुदर्शन संत की जय। देखो